and the person i am today is like a total different very introvert i did not love speaking i did not you know love facing audience hello everyone welcome to an academy my name is Isha Verma. I am a CA final student. You might have seen me participating in various events of ICAI or you might have seen me sharing strategies on my YouTube channel. And if you haven't, then I am here to share a very special journey as in how I started CA. एंड सी ए मैंने कैसे स्टार्ट किया हाउ द आइडिया ऑफ डूइंग सी ए केम इन माई माइंड एंड दी बैक इन स्टोरी और मेरी जर्नी अब तक कैसी रही तो आई विल भी शेयरिंग एवरीथिंग इन दिस वीडियो एज अ नॉर्मल ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट आई वॉज अ कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट एंड आई हैड दिस यू नो ड्रीम ऑफ गेटिंग इन टू एस आर सी सी क्योंकि जो भी डी यू में uh, मतलब पढ़ना चाहते हैं वो यही चाहते हैं कि उनको एस आर सी सी मिले एंड दैट वॉज ऑल्सो माई ड्रीम कि हाँ ठीक है एस आर सी सी मिलेगा आई कुड भी लाइक टेलिंग एविवान कि हाँ मेरे को एस आर सी सी मिला बट यू नो डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था एंड आई मेज दी कट ऑफ बाई वन टू परसेंटेज एंड आई गॉट इन टू अ वेरी गुड कॉलेज ऑफ डी यू विच इज़ जीसस एंड मेरी कॉलेज साउथ कैंपस में है एंड द जर्नी देयर वाज वेरी नाइस आई वाज एक्टिव एवरीवेयर मतलब मैं डांसर हूँ कथक डांस करती हूँ तो मैं वहाँ के भी कथक वाले सोसाइटी में थी जहाँ पे मेरे को डांस के बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलते थे तो डांस में आई वॉज डूइंग वेल पढ़ाई भी डी की मतलब टॉप कॉलेजेस की बहुत अच्छी होती है रेगुलर कॉलेजेस की तो पढ़ाई में भी एवरीथिंग वाज यू नो वर्किंग वेल बट वो नो एक था अंदर से कि ऐसा लग रहा था कि आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विध द आउटपुट दैट आई वॉज गिविंग मुझे ऐसा लगता था, था कि शायद मेरे अंदर ना कुछ और पोटेंशियल है जो फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रहा है बिकॉज़ कभी कभी ना वो रिलेटिव्स आते थे तो वो पूछते थे कि यार तुम क्या कर रही हो देन आई आईज टू से आई एम डूइंग बी कॉम ऑनर्स तो वो कहता है अच्छा बी कॉम ही तो कर रही है बट मेरे मन को पता था कि मैंने इस बी कॉम के लिए बहुत स्ट्रगल किया है एक एक पॉइंट फाइव कट ऑफ के लिए बहुत मेहनत करी है मतलब ये कॉलेज से वो कॉलेज जो ना कट में शिफ्ट किया है मेरे लिए दैट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट बट फिर भी लगता था कि हाँ यार कुछ तो और होना चाहिए जो यू नो फुल कैपेसिटी यूज़ कर ले तो मैंने सोचा कि कोई ना ऐसा कोर्स करते हैं जिसका सिलेबस ना बी से बिल्कुल मैचिंग मैचिंग हो मतलब उससे ज़्यादा हो चलेगा लेकिन बी का सिलेबस एटलीस्ट उसमें कवर हो जाए मतलब कोई आउटसाइड का स्ट्रीम का ना हो जो मुझे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े या बहुत ज़्यादा अलग हो जाए तो फिर मैंने बहुत रिसर्च किया पता चला सी है सी है या सी है ये तीन चार ऑप्शन हैं जिसमें सिलेबस काफ़ी सेम 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 है बी कॉम वाले मतलब बी कॉम का तो सारा सिलेबस उसमें कवर होता है ठीक है तो, तो फिर मैंने सोचा कि हाँ चलो सी ए करते हैं बिकॉज सिलेबस बहुत ज़्यादा मैच हो रहा था बी कॉम का मैक्सिमम कवर हो रहा था द ओनली क्राइटीरिया समझ रहे हो मतलब आई स्टिल लाइक लाफ इन दिस फैक्ट कि मैंने ये क्राइटीरिया रखा था कि बी कॉम का सिलेबस कि, किस में सबसे ज़्यादा कवर होता है तो मैंने सी ए स्टार्ट कर दिया तब मैंने सोचा नहीं था कि मेरे को फाइनल तक जाना है इंटरमीडिएट करना है या क्या करना है बट स्टार्ट ज़रूर कर दिया तो सेमेस्टर ब्रेक में आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर माय एग्जाम्स बट यू नो आई वाज स्टिल वेरी बिगनर तो मेरे को नहीं पता था कि सी है ना एग्ज़ाम फॉर्म ही भरते रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा और बस तैयारी शुरू कर दी थी ये सोच के कि अब बस एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे बट थोड़े दिन बाद ही पता चल गया कि नहीं एग्ज़ाम फॉर्म्स तो मैंने मिस कर दिया वो कहते हैं ना कि जो होता है लाइफ में अच्छा होता है ठीक हुआ वो हुआ क्योंकि अगले ही अटैम्प्ट uh, में सिलेबस कम्प्लीटली चेंज हो गया एंड हैड आई स्टार्टड यू नो स्टडी पुराना सिलेबस तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती तो फिर आई डिड नॉट फिल द एग्ज़ाम फॉर्म और फिर अगला अटैम्प्ट जो भी था उसमें मैंने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया आई गेव माई फाउंडेशन एग्ज़ाम और स्टडी ब्रेक में जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना डी के सेमेस्टर ब्रेक में उसमें मैंने अपना फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया एंड लकली आई क्लियर डिट लकली और मेहनत से भी ऑफकॉर्स <laughs>

आई एम वेरी ग्लैड कि मेरा ऐसा सी सी का कट ऑफ मिस हो गया क्योंकि शायद नहीं मिस होता तो मैं सी ए करने का नहीं सोचती एंड द पर्सन आई एम टू डे इज़ लाइक अ टोटल डिफरेंट पर्सन मैं बहुत बड़ी इंट्रोवर्ट थी पहले आई डिड नॉट लव स्पीकिंग आई डिड नॉट यू नो लव फेसिंग ऑडियंस हाँ डांस करवा लो स्टेज पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी बट वेन इट केम टू स्पीकिंग आई वॉज लाइक मैं बहुत ही मतलब बहुत कम बोलती थी बहुत कम एंड इन फैक्ट इफ यू स्टिल मीट मी इन रियल लाइफ आई वुड बी स्पीकिंग वेरी लेस वेरी लेस एज इन बहुत कम मिनिमल बट यू नो इस पूरे जर्नी में आई कैप्ट ऑन एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ पूरे सी एयर जर्नी में आई केप्ट ऑन पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस इवेंट्स इधर उधर डांस कॉम्पिटिशन फेस्ट स्पीच कॉम्पिटिशन डिबेट कॉम्पिटिशन पेपर प्रेजेंटेशन आई डेड एवरी थिंग जस्ट टू कीप ऑन एक्सप्लोरिंग एंड वो जो एक्सप्लोर करने का वो था ना अपने अंदर क्यूरियासिटी दैट हैज़ लेट मी टू अ डे जब मुझे पब्लिक स्पीकिंग से या कैमरा फेस करने से या फिर लोगों के सामने बोलने से अब चाहे डर नहीं लगता है जैसे पहले लगता था एंड माई सी ए हैज बीन वंडरफुल आई वुड लव टू लाइक से थैंकफुली ये मेरे साथ हुआ अगर नहीं होता तो मैं आज भी वही इंट्रोवर्ट रहती आज भी मैं वही शांत सी ईशा रहती जो बोलना पसंद नहीं करती जो हमेशा लाइन में सबसे लास्ट में खड़ी होती बट अब वेन आई टॉक अबाउट माई सी थिंग माय सीए ए जर्नी और सीए कोर्स यहाँ मैंने बहुत कनेक्शंस बनाए यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा सर्कल uh, अपना इन्ॉर्ज किया जस्ट बिकॉज आई चूज द राइट कोर्स फॉर माई सेल्फ एंड दैट्स नॉट द एंड ऑफ माई जर्नी बट ऑफकोर्स दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहें अन अकेडमी पे एंड मेरे चैनल पर भी बिकॉज आई एम कमिंग अप विथ वेयस अदर वीडियोज़ ऑन दिस चैनल uh, related to my experience uh, with the CA journey, strategies about various, you know, stages, various exams of CA journey, and I uh, mean, uh, <laughs> बहुत 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 सारी चीजें जो आप miss कर जाओगे अगर आप updated नहीं रहते हो या फिर आप subscribe करना भूल जाते हो. Till then, bye bye.